नमस्कार, मैं हूं सौम्या और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज। चलते हैं आज की ताजा खबरों की तरफ। हरियाणा की जींद में होने जा रहे उपचुनाव किस राजनीतिक दल के लिए लेकर आएंगे अच्छे दिन और किसको देंगे झटका, यह तो 28 जनवरी को जींद के मतदाता तय करेंगे। गौरतलब है कि हरियाणा में लंबे समय से गुटबाजी व अंतर्कलह के दौर से गुजर रही कांग्रेस पार्टी को एक सूत्र में पिरोने व पार्टी के नेताओं के मनमुटाव को दूर करने में अनेक प्रयास किए गए, हर बार असफलता ही हाथ लगी। इसका परिणाम यह रहा कि पार्टी संगठन में लोगों में वह मजबूती नहीं दिखा पाई जो पिछले 4.5 वर्षों में होनी चाहिए थी। इसी के चलते रणदीप सिंह सुरजेवाला से हमने बात करने की कोशिश की, लेकिन हर बार वो मीडिया से बचने का प्रयास कर रहे थे और लोगों के कान में क्या मंत्र पढ़ा रहे थे उस मंत्र पर वो कितना कामयाब होंगे ये तो आने वाला रिजल्ट ही बताएगा। वही कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर अशोक तंवर की परीक्षा की घड़ी होगी, अगर जींद से कांग्रेस हारती है तो प्रदेशाध्यक्ष पर कैसा असर रहेगा। लेकिन देखने वाली बात यह है कि डी ग्रुप का रिजल्ट आने के बाद भारतीय जनता पार्टी के साथ युवा पीढ़ी तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ बुजुर्ग भी नजर आए। अगर यह सीट भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो आने वाले चुनाव भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होने की संभावना है। वहीं दूसरी ओर INLD और जननायक जनता दल के आपस के गृह कलेश से उनके समर्थकों को काफी चिंताओं का सामना करना पड़ रहा है। इस गृह कलेश का फायदा भारतीय जनता पार्टी को हो सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार कृष्ण मिड्डा जींद से ही है और लोगों का कहना है कि कांग्रेस के उम्मीदवार रणदीप सिंह सुरजेवाला बाहर से हैं। वहीं उधर कांग्रेस पार्टी के कई गुट एक मंच पर नजर आए, लेकिन कांग्रेस गुट के नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला को जिताने में कितना मदद कर पाएंगे वे कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर अशोक तंवर की कितनी इज्जत बचा पाएंगे यह तो आने वाला चुनाव ही तय करेगा। लेकिन ये बात तो तय है कि जींद के इस उपचुनाव का असर आने वाले लोकसभा चुनाव पर जरूर पड़ेगा। और इसी तरह शहर की खबरों को देखने के लिए देखते रहिए सिटी बिग न्यूज़।